हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कंपाइलर डायरेक्टिव्स के बारे में। तो जो सबसे पहले कंपाइलर डायरेक्टिव हम देखने वाले हैं वो है फ्री और एंड फ्री। तो मैंने अब एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ। तो फ्री और एंड फ्री कंपाइलर डायरेक्टिव क्या करता है, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि इस पोर्शन के बीच में जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा फ्री फॉर्मेट में होगा। तो जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपके पास कुछ कोड फिक्स फॉर्मेट में है और उसके बीच में आपको कुछ लाइंस ऑफ कोड को फ्री फॉर्मेट में लिखना है, तो उसके लिए हम ये डायरेक्टिव यूज़ करते हैं जो है फ्री और एंड फ्री। तो इसको कौन सी पोजीशन से लिखना होता है, आप इस पोजीशन से, जहाँ पे जैसे इस पोजीशन पे हम डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसके नेक्स्ट पोजीशन जहाँ भी हमारा एफ स्पेक, डी स्पेक और सी स्पेक आता है, उसके बाद में एक पोजीशन पे आप डायरेक्टिव स्टार्ट कर सकते हो। और फ्री डायरेक्टिव इस तरह से लिखोगे स्लैश और फिर फ्री, तो जो भी हमारी कंपाइलर डायरेक्टिव होगी वो हमेशा स्लैश से स्टार्ट होगी। उसके बाद में हम एक जगह पे एंड करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे इसको एंड किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ तक जो भी हमारा एक ब्लॉक बना है, इस ब्लॉक में जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो हम फिक्स फ्री फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइलर को ये डायरेक्टिव इंस्ट्रक्ट करेगी कि आप इस ब्लॉक में जो भी कोड है वो हमारा फ्री फॉर्मेट में है। ठीक है, अब मैं अगर इस कोड को कंपाइल करके कॉल करके दिखाता हूँ तो आपको आउटपुट समझ में आएगा इसका। मैंने कंपाइल किया, कॉल किया, तो ये हमारे को आउटपुट दे रहा है 50, जैसा कि आप और शर्मिल, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हम दो वैल्यू को असाइन कर रहे हैं फ्री फॉर्मेट में और फिर इसको फिक्स फॉर्मेट में डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेनली जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो फिक्स फॉर्मेट है, फिर जो हम कैलकुलेशन पार्ट है उसका असाइनमेंट वाला जो पोर्शन है वो हम फ्री में कर रहे हैं, और बाद में जो हमारा डिस्प्ले का कमांड है वो वापस से हम फिक्स में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग फ्री और एंड फ्री डायरेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि हमारा इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो हमारा फ्री फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।